बाईत उपखंड के गिड़ा थाना क्षेत्र के सोहड़ा सरहद के सड़क के किनारे देर रात एक कलयुगी मां ने लोकलाज से बचने के लिए अपनी नवजात बच्ची को रोड के किनारे में फेंक दिया। सुबह आसपास के लोगों ने रोड पर खून बिखरा देखा तो लोगों को कुछ संदेह हुआ। सूचना पर मौके पर बाईत पुलिस पहुंची। बाईत से राकेश जैन की रिपोर्ट। बाईत उपखंड के गिड़ा थाना क्षेत्र के सोहड़ा सरहद के मेघवालों की ढाणी के पास सवाऊ से सोहड़ा आने वाली सड़क के किनारे देर रात एक कलयुगी मां ने लोकलाज से बचने के लिए अपनी नवजात बच्ची को रोड के किनारे में फेंक दिया। सुबह आसपास के लोगों ने रोड पर खून बिखरा देखा तो लोगों को कुछ संदेह हुआ तो खून जहां जहां गिरा उनके पीछे पीछे गए तो रोड के पास बने खेत के बाड़े के पास एक नवजात शिशु का शव देखा तो एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। हेड कांस्टेबल दुर्गाराम चौधरी ने बताया कि गिड़ा थाना क्षेत्र के सोड़ा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। मेघवाड़ों की ढाणी सोड़ा सोड़ा ग्राम पंचायत में सड़क के किनारे बाढ़ के पीछे नवजात शिशु बच्ची है जो नग्न अवस्था में किसी ने फेंकी है। जिस पर मौके पर पहुंचे, मौके की कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद में विज्ञात लोगों द्वारा उक्त नवजात शिशु फिलहाल फेंका गया है। इनकी जांच जारी है। मौके की कार्रवाई कर उसका CSC बाईत में PM करवाकर आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई। मंगलवार रात कलयुगी मां ने अपनी एक नवजात बच्ची को रोड के किनारे फेंक कर इंसानियत को तार तार कर दिया है। सुबह बच्ची को ग्रामीणों ने देखा तो हैरान रह गए। आनन फानन में बच्ची को उठाकर गिड़ा CHC लाया गया। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लिया। बच्ची को बाईत CHC लाया गया जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर मामले की छानबीन की जा रही है। नवजात बच्ची का शव रोड के किनारे मिलना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।